दोस्तों आज दशहरा स्पेशल में चिकन बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम यवतमाल पार कर गए रात में। रात में नागपुर में तेल लिए थे तो रात में थोड़ा वहाँ टैंकर नहीं आया था, तेल का थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, एक घंटा रुकना पड़ गया था वहाँ। तेल आया बाद में तो मिला, तो एक घंटा टाइम बर्बाद हो गया वहाँ थोड़ा। तो तेल लिए वहाँ से निकल गए हैं लोग, तो सुबह करीब यहाँ पहुँचे हम लोग 3:30 बजे पहुँचे थे। तो फिर थोड़ा 2 घंटा सो गए थे, 2-3 घंटा तभी उठे हैं, तभी निकल रहे हम लोग यहाँ से, क्योंकि आज जान रहे विजय दशमी है, मैंने पहुँच जाना है कल, हम लोगों कल माल को खाली करना है। अपना ट्रांसपोर्टर से बात किए, सेठ से भी बात किए कि भाई थोड़ा उलझन हो जा रहा है ना, बहुत किस्म का फ़ोन आ रहा है तो हम परेशानी में हो जा रहे हैं, तो इसी लेकर के हम फ़ोन को अपना बंद कर दिए हैं। बोल दिए सेठ को भाई ऐसे बात है, हम बहुत टेंशन में आ जा रहे हैं, बहुत किस्म का फ़ोन आ जा रहा है, जो भी आ रहा वही बोल रहा है कि जे शाम तक पहुँच जाओगे, 12 बजे तक पहुँच जाओगे। तो सफ़र भी देखिए भाई, हम कहाँ हैं और कहाँ का बात कर रहे हैं आप लोग, अब बोलते हैं सुबह पहुँच जाओगे, शाम पहुँच जाओगे, इसी लेके टेंशन में आकर मोबाइल को बंद कर दिए हैं। दोस्तों तो जा रहे हैं, निकल रहे हैं अभी, आज विजयदशमी है, हम लोग त्यौहार तो रोड में ही कट रहा है। ठीक है दोस्तों, नाश्ता पानी तो लोग बरस वरा हो गया, अभी हम लोग देखते हैं आगे कहीं नाश्ता वास्ता करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों और हमारे महाराष्ट्र के कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग को हम कहना चाहेंगे कि कल रात में जब हम नागपुर पार कर रहे थे तो देखे सेलू के पास में, मतलब बड़ा बड़ा हंडी में पानी में कांधा में ले करके, जैसे लोग बोलबम जाते हैं ना तो उस टाइप का कांधा में ले करके पूरा बड़ा बड़ा कलसा में पानी, और पूरा मतलब लाइट वायर के साथ में, बाजा के साथ में, पूरा मतलब जैसे हम लोग हमारे झारखंड में बोलबम बोलबम कर जाते हैं वैसे ही हम रात में देखे। तो वो हम देखे तो हमको समझ नहीं आया कि वो पानी कहाँ से उठाया और कहाँ जा कर डालेगा। तो ये थोड़ा हम आप लोग से जो नागपुर के आसपास के हैं लोग उनसे हम पूछना चाहेंगे कि हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वो पानी कहाँ से उठाया और कितना किलोमीटर जा कर के आगे उसको वो डालेगा, और वो पानी मतलब कहाँ से उठाता है वो। ये आपको सुबह का नाश्ता, पोहा और ब्रेड, ये ब्रेड चॉप नाश्ता, साथ में चटनी है, ये चटनी ठीक है, अभी उसके लिए पार्सल लेके जाएंगे खाना, नाश्ता लेकर चले। हम लोग महागांव आज दशहरा का लेकर के बहुत ज्यादा मतलब फूलों का बिक्री बहुत ज्यादा है यहाँ, आज पूरा फूल उनका देख रहे, दुकान बहुत ज्यादा है। रामगढ़ में तो आज रावण वन जलेगा, मतलब उधर भी होता है रावण वन जलता है, फूलों का बिक्री यहाँ ज्यादा देख रहे हैं। हमारे यहाँ फूलों का उतना बिक्री नहीं होगा, मेला वेला यही सब है। जब बहुत ज्यादा दिख रहा हमको हमारे यहाँ देख रहे, सब बाइक धो रहा है, पूजा वूजा कर रहा है, दुकानों का पूजा कर रहा है। हमारे वहाँ ये काम दिवाली के दिन होता है, छोटा सा बाजार है लेकिन बहुत अच्छा है, यहाँ हर चीज मिल जाता है, यहाँ डॉक्टर मेडिकल राशन हर चीज है, यहाँ छोटा सा बाजार बहुत अच्छा है। लेकिन अभी बस हम लोगों को कुछ ही महीना और पार होना है, उधर जब ब्रिज बन जाएगा तो उधर से ही निकल जाएंगे, फिर यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो ब्रिज बन रहा है, इसका भी बाईपास बन जाएगा तो आ नहीं पाएंगे फिर यहाँ। दोस्तों हम लोग अभी घाटी में खड़े हैं और यहाँ पहले भी खाना बनाया है तो यहीं पे आज भी खाना बन रहा है। देख सकते हैं पूरा पत्थर है, जंगल है, पेड़ है, पूरा सब तरफ हम लोग का दशहरा यहीं मन रहा है। लोग आज हमारे रामगढ़ में कहाँ कहाँ लोग मेला घूमने चल जाता है, आज रावण जलता है, सब देखने जाता है, हमारा रावण यहीं जल रहा है, हम लोग यहीं घूम फिर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, जामताड़ा में 15 जगह में रावण जलता है। तो एगो मेरा उस्ताद के घर के बगल में जलता है, एगो हरीन मातो के घर का बगल में जलता है, तो मेरा घर का बगल में जलता है। बोल दीजिए कहाँ कहाँ जलता है जामताड़ा में? हमारे यहाँ जैसे कि नौमी दिन खाता है वहाँ पे, तो मंगलवार दिन हम लोग नहीं खाए थे कुछ, तो आज देखिए थोड़ा लिए हैं। ये देखिए चिकन है, चिकन लिए हैं, तो आज के दिन खाते हैं हम लोग। हर जगह का अलग अलग नियम होता है, कोई कहीं नहीं भी खाता है अलग बात है वो। हम लोग तो भाई अखंड के, तो झारखंड के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं बना रहे हैं, तो सर लेट ज़रूर हुआ है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों कि आज हम माइंड फ्रेश है मेरा, इसलिए कि मेरा मोबाइल कल रात से बंद रखे हैं हम। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ सब मटेरियल काट रहे हैं, इधर मेरा चावल चढ़ा हुआ है, फिर खा पी के निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल भी डाल दिए, तेल भी गर्म हो रहा है। अब दोस्तों आज जानते हैं आप लोग विजयदशमी दशहरा, तो हम लोग भी देखे हैं पड़े हुए, हम लोग का दशहरा बन रहा है यहाँ। अच्छा पार्क है, पहाड़ है, हम लोग यही मनता है, भीड़ भाड़ में नहीं। ऐसे भी हम लोग का गाड़ी अगर आज झारखंड बिहार बंगाल में कहीं रहता तो कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रैफिक वाला रोक ही देता, हम लोग के लिए नो एंट्री। और नो एंट्री एक सब्सक्राइबर हम पूछे थे कि नो एंट्री क्या चीज़ होता है, तो भीड़ भाड़ में नहीं जाना है उसके लिए, उसी को नो एंट्री कहते हैं। तो हम लोग के लिए नो एंट्री लग जाता है। यहाँ तो खैर महाराष्ट्र तो खैर बहुत अच्छा है, कहीं हम लोग को नहीं रोक रहा अभी तक। ऐसे रोड में बहुत गाड़ी बहुत कम है, नहीं तो हमारा आज झारखंड बिहार यूपी बंगाल में भी मतलब रोक ही देगा गाड़ी को कहीं फाँका जगह पे, कि आगे मेला लगा हुआ है, रोड साइड में आना जाना हो रहा है, नहीं जाना उधर। ठीक है दोस्तों, एक बनाते हैं खाना। तेल मेरा गर्म हो गया, थोड़ा सा डालते हैं इसमें तेज़पत्ता। दोस्तों मेरा तेल मतलब प्याज पूरा लाल हो गया है, लहसुन भी डाले हैं, जो लहसुन डालते हैं ऊपर से वो लहसुन भी डाले हैं, गोटा लहसुन। ये देखिए अब इसमें इसको डाल देते हैं। अब आज के दिन तो घर में बहुत आइटम बनता है, लेकिन क्या करें हम लोग रोड में हैं, हम लोग को जो नसीब में वही मिलेगा भाई। हम लोग का झारखंड बिहार यूपी बंगाल में क्या होता है ना कि यही अभी खाने का टाइम है, खा लेगा, फिर जब दीपावली के लिए पेंट वगैरह हो जाएगा घर हुआ तो फिर नहीं चलता है, फिर दीपावली से पहले जो बंद होगा तो फिर एक ही बार जब छठ में, छठ पार करने के बाद ही मतलब चालू होता है। तो हम भी वही सब करते हैं। अब जब नहीं होता इधर, जब अभी मतलब दो चार दिन खा सकता आदमी, उसके बाद फिर एक ही बार जब छठ पार हो जाएगा उसके बाद। दोस्तों चिकन मेरा तेल में भी फ्राई हो चुका है, तो ये देखिए पहले पहले जीरा गोलकी डालते हैं, मिक्स मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये अच्छी तरह मिलाने के बाद ये देखिए दोस्तों मेरा ये चिकन बनकर तैयार है। और उधर मेरा चावल है, चावल जो है पुलाव वाला चावल बना है आज। आज बहुत दिन बाद मतलब हम लोग छोड़ दिए थे, लिए थे उसको बिरयानी के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाया दोस्तों। बिरयानी के लिए लिए थे लेकिन बन नहीं, टाइम नहीं मिल पाया। सोचे थे त्यौहार कहीं मनाएंगे बढ़िया तरह से, घर से बाहर है तो क्या हुआ, लेकिन भाई लोग नहीं बनाने दिया, तो हम लोग लास्ट में वही चावल ही बनाना पड़ गया उसका। ठीक है बिरयानी बनाएंगे, जहाँ टाइम मिलेगा ना उस दिन बना देंगे बिरयानी। बिरयानी भी आता है, सब आता है, वो चावल नहीं मिलता था सही ढंग से। बिरयानी के चावल जो होता है अलग होता है, नहीं मिलता जल्दी हम लोगों को। तो इसी तरह
ठीक है, बनाएंगे बिरयानी। और देखिए आज हम लोग का यही हमारा दशहरा हो रहा है, और हमारे जो ड्राइवर भाई लोग हैं जो बाहर है घर से, वो लोग भी मना रहे होंगे पूरा दम, दारू सारू सब साथ में, लेकिन हमारे पास तो नहीं चलता वो सब, तो हमारा यही है। अब चलाना होगा, जबरदस्ती चलवाएंगे क्या दारू, साला दारू पिएगा, जबरदस्ती पिलवाएंगे। आज तक मेरे बाप नहीं पिया था, हम कहां से पिएगा भाई, जबरदस्ती पिलवाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग जानते हैं जब हम जमीन पे बनाते हैं तो थोड़ा जमीन पे देते हैं, ये देखिए ये भाई यहाँ जो भी है उनको भी देते हैं। तो ये सब चीज है कि सेंट वगैरह थोड़ा उड़ता है, तो जंगल में यहाँ पर है हम लोग, पहाड़ में कौन कहाँ है, क्या है, क्या रूप में, कौन जानता है। सब दादा जी, सब दादू, सब चाचा चाची, सब लगता है जंगल का भी। तरी तरी तो तरी कम हो रहा। देखिए दोस्तों, हम नॉनवेज बहुत कम कर दिए हैं, तो मेरा उस्ताद ज़्यादा नॉनवेज लिया है, तो सुबह भी ज़्यादा नॉनवेज, हम चार पीस अब नॉनवेज कर दिए हैं, चार से पांच पीस, अब नॉनवेज बहुत कम करना है, मीट मछली। ठीक है दोस्तों, चावल में ढके कौन रखा है, गिनती कराओ भाई, गिनती कराओ। ये देखो ओरिजिनल, चार से पाँच पीस। तो दोस्तों नॉनवेज बहुत कम हो गया है, हाथ हटा दिए नॉनवेज। देखिए लहसुन है, लहसुन है इधर, देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दिख गया। सीसीटीवी कैमरा सब दिख गया, जो खादा है उसको खाना है, छिपाना क्या है, जो खाते हैं सो खाते हैं भाई, छिपाना क्या है इसमें, खाना बहुत टेस्टदार बना है, चावल लिए हैं, पुलाव चावल है। तो आज हम लोग का टाइम भी देखिए कितना शाम हो गया है, एकदम शाम के टाइम में, दोपहर का खाना खा रहे हैं शाम में, और ये सब मतलब पार्टी लोगों को नहीं बुझाता है, फिर भी आज होटल भी हम लोग नहीं मिला, बहुत होटल बंद मिला, मतलब हम लोग गिने चिने होटल में खाते ही है, तो मिला नहीं होटल, जहाँ है देखे बंद है, साफ सफाई चल रहा है, बोलो भैया आज मुश्किल है, आज हमारा त्यौहार साफ सफाई हो रहा है, चलो भाई तो मजबूरी में हम लोग आज बनाना पड़ेगा, लेट से बना तो लेट से खाना खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं, निकलना भी है अभी। दोस्तों खाना वाना तो हो गया हमारा, अब निकलेंगे यहाँ से, तो हम लोग का यही दशहरा है, देख ही रहे हैं। अब देखिए सूरज भगवान कहाँ आ गए हैं, शाम में खाना खा रहे हैं, इतना टाइम में हम लोग खाना खा रहे हैं, यही हम लोग का दशहरा होता है, दशहरा हो दिवाली हो क्या बोल सकते हैं, ड्राइवर लोग का यही त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, अभी निकलेंगे यहाँ से, खाना खा लिए चलेंगे, ये शाम का चाय पी रहे हैं, और ये टोमी बेचारा बहुत अच्छा है, वहाँ रख के दीजिए, वहाँ रख। ये बेचारा टोमी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, इसको हमेशा खिलाते रहते हैं बिस्कुट वगैरह। दोस्तों चाय पी के तो आ गए अभी हम लोग, अब चले कुछ सफ़र काटना हम लोगों को, और उसके बाद देखते हैं आज रात में फिर कहाँ रुकते हैं, क्योंकि थोड़ा त्यौहार का टाइम है ना, और थोड़ा एरिया ठीक नहीं रहता है, तो हम लोग को रुकना पड़ जाता है। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे, देखें कि आप लोग हम लोग का त्यौहार कैसे कटता है, घर से जो बाहर रहते हैं लोग, चाहे ड्राइवर लाइन के हो या मजदूर लाइन के जो भी हो, देखते हैं बाहर कैसे हम लोग त्यौहार कटता है। तो यही कहना चाहेंगे उन घर वालों को कि जब भी वो लोग घर जाता है रिटर्न, तो कभी भी कोई भी बात कर लेकर के मतलब अच्छा से पेश आवे, क्योंकि बाहर वो आदमी मजदूरी करता है बाहर निकल करके घर परिवार के लिए ही, आज वो लोग कैसे कैसे त्यौहार मनाता है क्या करता है, बहुत देखे हैं इस टाइप का, क्योंकि मेरा दोस्त लोग है कुछ ऐसा बताया था कि यार हम लोग इतना मेहनत करते हैं, घर पे जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये चीज़ के लिए हम कहना चाहेंगे कि देखिए हम लोग कैसे बाहर में त्यौहार काटते हैं, और भी जो भी हो, चाहे गाड़ी लाइन के हो या मजदूर वाले लोग हो, लेकिन जब घर जाता है तो उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए उन लोगों को कि भाई हम लोग के चलते ये लोग बाहर रहता है कमाता है, तब हम लोग आज घर में त्यौहार मनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अभी यहाँ से और ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय।
और जय हिंद दोस्तों, चले।